लंगड़ा आम मीठे पन का राजा, इतिहास का सफर। फलों का राजा आम भारत की धरती पर उगने वाला एक ऐसा रत्न है जिसकी मिठास और खुशबू हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। हजारों साल से भारत में आम की अनगिनत किस्में उगाई जा रही हैं, जिनमें से हर एक अपने अनोखे स्वाद और खासियत के लिए जानी जाती है। इन किस्मों में से एक खास किस्म है लंगड़ा आम, जिसका नाम जितना विचित्र है उससे कहीं ज्यादा लाजवाब इसका स्वाद है। आज हम आपको लंगड़ा आम के मीठेपन के साथ साथ उसके इतिहास के रहस्यमय सफर पर ले चलते हैं। आइए जानते हैं कैसे एक लंगड़ा पुजारी और बनारस की पवित्र धरती ने मिलकर दुनिया को एक ऐसा आम दिया जो मीठेपन का पर्याय बन गया। बनारस की गलियों से निकली मिठास की कहानी, लंगड़ा आम की कहानी। हम ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि करीब 300 साल पहले इस प्राचीन नगरी के एक शिव मंदिर में एक साधु रहते थे। ये साधु न सिर्फ धर्मनिष्ठ थे बल्कि प्रकृति प्रेमी भी थे। उन्हें पेड़ पौधों से गहरा लगाव था और वो अक्सर मंदिर परिसर में वृक्षारोपण करते थे। एक दिन इन्होंने मंदिर परिसर में एक आम का पेड़ लगाया। इस पेड़ की देखभाल उन्होंने उसी मंदिर के एक पुजारी को सौंपी। ये पुजारी थोड़े चलने में असमर्थ थे, जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से लंगड़ा पुजारी कहकर पुकारते थे। अपने नाम के अनुरूप लंगड़ा पुजारी पूरी श्रद्धा से उस आम के पेड़ की देखभाल करते थे। वो रोजाना पेड़ को सींचते, उसकी देखभाल करते और उसकी वृद्धि पर पैनी नजर रखते थे। कई साल बीत गए। लंगड़ा पुजारी के अथक परिश्रम का फल मंदिर परिसर में लहराता हुआ एक हरा भरा आम का पेड़ बनकर सामने आया। समय के साथ पेड़ पर फूल आए और फिर कुछ ही समय में आम लगने लगे। जब पहली बार फल पके तो लंगड़ा पुजारी ने सबसे पहले उन्हें भगवान शिव को अर्पित किया। फिर मंदिर में आने वाले भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा गया। जैसे ही भक्तों ने लंगड़ा आम का स्वाद चखा, वो सब मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पहले कभी इतना मीठा और रसीला आम नहीं खाया था। हर कोई आम की तारीफ करने लगा। उस स्वादिष्ट आम की चर्चा पूरे बनारस में फैल गई। लोग उस आम को खाने के लिए मंदिर आने लगे। धीरे धीरे ये आम अपनी खासियत के लिए पहचाना जाने लगा और इसलिए इसका नाम लंगड़ा आम पड़ गया। उस लंगड़ा पुजारी के सम्मान में जिन्होंने इस पेड़ की इतनी मेहनत से देखभाल की थी। स्वाद और विशेषताएं, लंगड़ा आम को दुनिया के सबसे मीठे आमों में से एक माना जाता है। ये आकार में अंडाकार होता है और नीचे की तरफ से थोड़ा नुकीला होता है। पकने के बाद भी इसका रंग हरा ही रहता है, जो इसे देखने में थोड़ा अलग बनाता है। हालांकि जब आप इसे काटते हैं तो अंदर का पीला रसीला गा पल्प सामने आता है, जो खाने में बेहद लजीज होता है। इसकी गुठली पतली और चौड़ी होती है, जो खाने में बाधा नहीं डालती। लंगड़ा आम की मिठास के अलावा इसकी कुछ खास विशेषता इसे और भी खास बनाती है। लंगड़ा आम की खेती और उत्पादन, जैसा कि हमने जाना है कि लंगड़ा आम की उत्पत्ति वाराणसी में हुई थी, लेकिन आज ये सिर्फ बनारस तक ही सीमित नहीं है। इसकी मिठास का स्वाद अब पूरे भारत में चखा जाता है। हाल के वर्षों में इसकी खेती पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में भी विस्तारित हो रही है। लंगड़ा आम की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु गर्म और शुष्क होती है। इसे अच्छी तरह से सूखा हुआ बलुई मिट्टी वाली जमीन की आवश्यकता होती है। लंगड़ा आम के पेड़ों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नियमित सिंचाई जरूरी होती है। फलों को तोड़ने का सही समय तब होता है जब वे हरे हों, लेकिन छिलका थोड़ा नरम हो जाए। हालांकि लंगड़ा आम की व्यापारिक खेती थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, फिर भी इसकी मांग बाजार में काफी अधिक है। पकने के बाद जल्दी खराब होने के कारण इसकी व्यापारिक खेती सीमित रहती है, फिर भी इसकी मिठास और स्वाद के कारण इसकी लोकप्रियता कम नहीं होती। लंगड़ा आम की ख्याति को और भी ऊंचाई पर ले जाते हुए वाराणसी लंगड़ा आम को 2010 में भौगोलिक पंजीकरण GI टैग दिया गया। GI टैग किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद की विशिष्टता और गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। वाराणसी लंगड़ा आम को मिला यह GI टैग इस बात का प्रमाण है कि मूल रूप से बनारस में उगाए गए लंगड़ा आम की गुणवत्ता और स्वाद बेजोड़ है। बनारसी लंगड़ा आम को GI टैग मिलने से न सिर्फ किसानों को फायदा हुआ है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी असली बनारसी लंगड़ा आम की पहचान करने में मदद मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बना रहे हैं AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं।
वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाई।